तो दोस्तों आज हम खड़े हैं गुलावटी कबाब के पास और आज यहाँ पर हम इनका जो जो आइटम्स बनाते हैं खाने की उनका सबका आज हम रिव्यू करने वाले हैं और क्या क्या प्राइस रहता है इनका और कब से इनकी दुकान यहाँ पर ओपनिंग हुई है, मतलब कब से ये काम कर रहे हैं, मतलब उनका आज हम कंप्लीट रिव्यू लेने वाले हैं। तो आज चलते हैं सीधा हम गुलावटी कबाब पे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ विजुअल्स ले लेते हैं, उसके बाद में सीधा वहाँ पर कुछ खाकर भी कुछ टेस्ट करके भी बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये इनकी शॉप नंबर 2 गली नंबर 12 मेन रोड जाकिर नगर ओखला का जो जाकिर नगर है ये यहाँ पर अवेलेबल है और ये इनकी काफ़ी टाइम पुरानी दुकान है। हम इनसे बात करेंगे और ये आप देख सकते हैं इनका लखनवी गुलावटी कबाब रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो भाई कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर, और इधर कुछ रोटियाँ बन रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं भाई कितनी अल्टीमेट तरीके से इनकी रोटियाँ बन रही हैं और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो कितनी है और मैं इन सबसे बात भी करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कबाब लगा रहे हैं और यहाँ पर इनका कुछ सेटिंग का भी है, ये भी आप देख सकते हैं। अब हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी करेंगे कि भाई उनको गुलावटी कबाब खा करके कैसे लगे हैं। भाई कैसे लगे आप? भाई एक नंबर, बहुत बढ़िया। हाँ पहली बार आए? हाँ, स्टोरी देखी थी किसी की, वो देखकर आए थे भाई। बहुत बढ़िया, मज़ा माशाल्लाह बहुत। अभी और आ रहा है गुल्ले सामने भाई, 4 प्लेटें खा चुके हैं माशाल्लाह से। मज़ा आ गया फुल मज़ा आ गया। मेरे को मत छेड़ो भाई, अभी मुझे खाने दो भाई। क्या नाम, आपका क्या नाम है? अच्छा भाई एक नंबर माशाल्लाह, बहुत मजे के भाई। लखनऊ गए था मैं जब, खा के आया था और अभी हमारे रिलेटिव्स में किसी ने बताया था, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देख सकते हैं इनके कबाब सिक रहे हैं और जो जो सिक रहे हैं वो उनको साइड में लगा रहे हैं और जो कच्चे हैं अभी वो उनको थोड़ा सा देखने के मतलब सिक रहे हैं वो। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भैया कबाब सिक रहे हैं और मोहब्बत इसके अंदर डलती है, इस वजह से इसके अंदर यहाँ पर लोग आते हैं तो और खाने के लिए। और अभी हम इनसे ही बात करेंगे कि भाई वाह, आप देख सकते हैं भाई कबाब इनके बहुत अल्टीमेट हैं यार। अभी मैं भी खा करके टेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, तो मैं भी देख लेता हूँ भाई क्या तारीफ़ लायक हैं। और मैं इनका अभी थोड़ा सा अंदर जा करके कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ कि उनको भाई कबाब कैसे लगते हैं। बाकी इनकी आप रुमाली रोटी देख सकते हैं, ये रुमाली रोटी लगती है, इसके ऊपर हल्का सा घी होता है, मतलब प्लेन नहीं होती है, हल्का सा घी लगता है इसके ऊपर ताकि मतलब एक खाने लायक बन जाए, क्योंकि जो विदाउट घी वाली होती है थोड़ी सूखी हो जाती है और सूख भी जाती है, इसलिए हल्का सा घी लगाते हैं तो थोड़ी सी अल्टीमेट हो जाती है रोटी। और आप देख सकते हैं भैया का कितना अच्छा हाथ चल रहा है रोटी बनाने में, रुमाली रोटी। और भैया से भी जानेंगे, भैया कितने साल हो गए आपको? 8-10 साल हो गया, पहली बार यही हूँ, कब से यही हूँ, मेरा 10 साल हो गया करीब। भैया बता रहे हैं कि 10 साल उनको यहाँ पर हो गए रोटी बनाते, और लगभग जैसे कच्ची रोटी है उसके ये डालेंगे और 2 से 3 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट में ज़्यादा बोलते हैं, ये मुश्किल से 15 सेकंड के अंदर रोटी तैयार हो जाती है, 15 से 20 सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं भाई ये रोटी तैयार हो रही है। तो मैं जो इनको पूरी दुकान का एक व्यू दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है यहाँ पर बिल्कुल। और ये बिल्कुल जो कुरैशी कबाब जो हैं यहाँ पर, जो फेमस कुरैशी कबाब हैं उनके बिल्कुल बराबर में है, बिल्कुल बगल में है उनके। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा भैया से ही बात कर लेते हैं कि उनका जो है वो यहाँ पर मतलब गुलावटी कबाब मशहूर है और कब से हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। अलीम अहमद 2007 से होता है, मटन कीमा होता है, कोरमा, गुलावटी कबाब, चिकन के, मटन के, पब के, गुलावटी गलावा मुलायम, तो तारीफ करते हैं तो बहुत खुश हो। लखनऊ का टेस्ट थोड़ा सा यहाँ ही आए हम, यही पता कि हम कुछ लोग यहाँ पर जो खा रहे हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भाई हमारे कबाब खा रहे हैं, तो इनसे भी हम जानेंगे कि भाई कबाब कैसे लगे। भाई कबाब कैसे लगे आप? कबाब इनका अल्टीमेट टेस्ट है, क्योंकि ऐसा अभी आपको जैसे रेप्लिका या दूसरा इसके टेस्ट का कोई कंपेरिजन यहाँ पर नहीं होता ओखला के। हाँ हाँ जरूर, इनके जो टेस्ट वगैरह है उस तरह का आपको ओखला के मिले, आई डोंट थिंक दिल्ली वगैरह में भी इस तरह का अवेलेबल है यहाँ पर। बहुत अच्छी टेस्ट है और 4-5 बार आ चुका हूँ। इनका जो कबाब है ये एग्जैक्टली अपना लगता है पेटेंट राइट बना ली है। अगर इनसे पूछेगा कि कबाब का तो रेसिपी बता दिए, कभी रिफिल नहीं करेंगे कि कबाब की रेसिपी क्या है। तो इनका कबाब अल्टीमेट है और इनके कबाब का कोई यहाँ पे वो भी नहीं है, मतलब कंपटीटर भी नहीं है कबाब का। तो भाई इन्होंने सब लोगों ने कबाब खाए हैं सर आपने? बहुत गर्म, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट एकदम जी। जब ही तो कुछ नहीं होता प्लेट में। अच्छे कबाब है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है जी जी, बिल्कुल आना चाहिए। मेरा दाऊद रहमान एक नंबर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल 10 बार आने चाहिए यहाँ पर तो खाने के लिए, बहुत बढ़िया काम है, जो आएगा दिल खुश हो जाएगा। रमज़ान मुबारक, सबको रमज़ान मुबारक बोलना चाहूँगा और एक बार यहाँ पे कबाब खाने के लिए बुलाना चाहूँगा।
जाकिर नगर में आए तो गुलाउटी और कुटेशी दोनों खाएं। तो भाई मैंने काफी लोगों से यहाँ पर बात करी है और मतलब जो एक यहाँ का जो रिव्यू है वो एक पॉजिटिव रिव्यू है। काफी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई हम बहुत टाइम से खा रहे हैं गुलाबटी कबाब और लखनवी गुलाबटी कबाब। तो भाई अल्टीमेट है और अभी मैं भी थोड़ा खा करके देख लेता हूँ, क्योंकि लोगों से तो मैंने जान लिया, अभी मैंने नहीं खाए वो भी मैं देख लेता हूँ कि भाई कैसे बनते हैं। तो भाई आप देख सकते हो मेरे लिए जो कबाब है स्पेशल वो रेडी होने लग रहे हैं और मैं खाऊंगा और फिर मैं खाने के बाद जो हमने तारीफ सुनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा फीडबैक। तो ये आप देख सकते हैं भाई इसके अंदर दो कबाब आ गए हैं और ये हमारे पास कुछ सैलेड आ गई है। तो ये गाइस आप देख सकते हैं मेरे लिए स्पेशल दो कबाब और रोटी और इसमें सैलेड अभी मैं खाने वाला हूँ और उसका भी मैं आपको टेस्ट बताने वाला हूँ कि भाई कैसा टेस्ट है यहाँ, आप देख सकते हैं भाई। तो भाई मेरे लिए प्लेट रेडी हो चुकी है और अब मैं ट्राई कर लेता हूँ, देखो भाई कितनी सॉफ्ट रोटी है और कितने सॉफ्ट कबाब है ये मैं एक बार देख लेता हूँ। भाई बहुत सॉफ्ट है और मैं खा लेता हूँ। अल्टीमेट है भाई, आप अगर जाकिर नगर में आ रहे हो तो भाई ज़रूर खा रहे भाई, बहुत अल्टीमेट भाई मज़ा आ गया यार। दो कबाब थे बहुत सॉफ्ट थे और ये रोटी और प्याज भाई क्या कॉम्बिनेशन है यार, मज़ा आ गया। अपने गुलाब की कबाब खा करके मज़ा आ गया। ये जाकिर नगर में है मैंने आपको बताया था, अगर आप आ रहे हो तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना प्लीज़, क्योंकि अल्टीमेट है इनके जो कबाब थे वो बहुत सॉफ्ट थे यार, मतलब खाने में एक अलग ही अल्टीमेट मज़ा आ रहा था और जो इनकी रोटी थी वो भी बहुत सॉफ्ट थी। मतलब अगर ओवरऑल में फीडबैक दूँ तो भाई बहुत अच्छे हैं, मतलब लगता है कि दोबारा भी आना चाहिए। ठीक है, अभी हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं उनको कबाब कैसे लगा था। अभी यहाँ पर और भाई बैठे हैं, इन लोगों ने भी कबाब खाए हैं और इनसे हम जान लेते हैं कि भाई कबाब कैसे लगे इनको। बहुत टेस्टी था, खाते रहते हैं हम लोग अक्सर, आते रहते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत कबाब भी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कबाब आ चुके हैं और अभी ये देख सकते हैं भाई रोटी कितनी, मतलब बहुत सॉफ्ट है इनकी रोटी। और अभी देखते हैं भाई इनको कबाब खा करके कैसा लगा, अभी हम बात करेंगे इनसे। शाकिर मलिक, बहुत टेस्ट है भाई, फर्स्ट टाइम आया हूँ, मज़ा आ गया फर्स्ट बाइट में जी। हमारे पास जीजो लाए हैं हमारे जी, ये आते रहते हैं जीजो हमारे। मोहम्मद फराज, अमेजिंग होते हैं पहले से भाई, उसके भी यार अर्लियर तो हम यहाँ पर नॉर्मली आते थे तो, बट अब हम कहीं और रहते तो वहाँ से आ जाए, बहुत दूर से मतलब लावरावास से आए। सही है शेफ, बहुत अच्छा।